वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। बुधवार की रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कोलकाता में भव्य रोड शो हो रहा था। जैसे ही ये रोड शो विद्यासागर कॉलेज के पास पहुंचा, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के समर्थक छात्रों और बीजेपी के समर्थकों में झड़प होना शुरू हो गई। इसी हिंसा के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही है। एक तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तोड़फोड़ टीएमसी के समर्थक छात्रों ने की है, तो दूसरी तरफ टीएमसी इस घटना के विरोध में 10 से भी ज्यादा रैलियां निकाल चुकी है, जिसमें हर टीएमसी समर्थक की टी शर्ट पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फोटो छपी हुई थी। ममता बनर्जी ने इस घटना के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तस्वीर लगा दी थी। उन्होंने लिखा कि बीजेपी वाले शायद ये नहीं जानते कि विद्यासागर है कौन। आइए जानते हैं कौन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके नाम पर बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे समाज में विधवा स्त्री की दोबारा शादी नहीं कराई जाती थी। इसी के साथ ही छोटी बच्चियों की शादी कराने यानी कि बाल विवाह जैसी तमाम परंपराएं थी, जिन्हें आप कुरीतियां भी कह सकते हैं। इन सभी कुरीतियों को समाज से खत्म करने वाले शख्स ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 80 के दशक में एक तरफ जहां देश में आजादी की लड़ाई की सुगबुगाहट चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स देश की महिलाओं के लिए समाज को सुधारने के काम कर रहा था। जी हाँ, साल था 1820। 26 सितंबर को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का जन्म होता है। ईश्वर चंद्र पढ़ाई में शुरू से ही होनहार थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि पढ़ने के लिए घर में गैस या लाइट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ईश्वर चंद्र स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। महज 21 साल की उम्र में ही ईश्वर चंद्र ने साहित्य, संस्कृत, वेद, फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी और हिंदू प्रथाओं जैसे विषयों पर काफी अध्ययन कर लिया था, इसलिए उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। विद्यासागर यानी कि विद्या का सागर, यानी कि विद्या या ज्ञान का खजाना। इसके बाद आता है साल 1841, जब महज 21 साल की उम्र में वे कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर बन गए और इसके बाद वे प्रिंसिपल बने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन का एक किस्सा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि जब विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते थे, तब उन्हें किसी अंग्रेज शिक्षक से मिलने विल्सन कॉलेज जाना पड़ा। वहां अंग्रेज शिक्षक अपने कमरे में मेज पर पैर रखकर बैठे थे। विद्यासागर के लिए ये एक असहज कर देने वाली स्थिति थी, लेकिन उन्होंने बातचीत पूरी की और वापस वहां से चले आए। संयोग से कुछ ही दिनों बाद उस अंग्रेज शिक्षक को विद्यासागर से मिलने के लिए संस्कृत कॉलेज आना पड़ा। जैसे ही विद्यासागर ने उन्हें देखा, उन्होंने भी अपने पैर मेज पर रख लिए। इसे देखकर अंग्रेज शिक्षक को काफी गुस्सा आया, लेकिन वो वापस लौट गया। बाद में पूरी घटना को लेकर उसे काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। साल 1850, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर बन चुके थे, वे चाहते तो अपना पूरा जीवन आराम से गुजार सकते थे, लेकिन वे समाज सुधार के काम में जुट गए। उन्होंने पहले आवाज उठाई बाल विवाह के खिलाफ। उन्होंने बाल विवाह को समाज और महिलाओं के लिए एक कुप्रथा करार दिया। वे इसके बारे में अखबारों में छापते और काफी कुछ लिखा करते थे। इसके साथ ही उन्होंने विधवा महिलाओं की फिर से शादी करवाने यानी कि विधवा विवाह का कानून बनाने की मुहिम भी चलवाई। शुरुआत में वे इस मुहिम में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन देखते ही देखते हजारों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। विद्यासागर को मिलने वाले इस भारी समर्थन से ब्रिटिश हुकूमत मुश्किल में आ गई और आखिरकार साल 1857 में सरकार को विधवा विवाह पर कानून बनाना ही पड़ा।
ईश्वर चंद्र ने इस समाज सुधार की शुरुआत अपने घर से ही की। उन्होंने अपने बेटे की शादी भी एक विधवा से ही करवाई। ईश्वर चंद्र जानते थे कि शिक्षा की कमी ही स्त्रियों की खराब दशा का कारण है। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला। वे बंगाली में किताबें लिखते थे और किताबों की बिक्री से जो पैसा आता था उससे वो लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। ईश्वर चंद्र के बारे में ये मशहूर था कि वो समय के बड़े पाबंद थे। उनके जीवन का एक किस्सा भी इसी से जुड़ा हुआ है। एक बार उन्हें लंदन में आयोजित एक सभागार में भाषण देना था। जब वो सभागार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लोग बाहर ही खड़े हुए हैं। जब उन्होंने किसी से पूछा कि लोग बाहर क्यों खड़े हैं तो उनकी जानकारी में आया कि सभागार की सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं आए थे। इतना सुनकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिना देरी किए हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने लगे। उन्हें देखकर वहां मौजूद लोग भी सफाई में जुट गए और थोड़ी ही देर में पूरा सभागार साफ हो गया। इसके बाद विद्यासागर ने वहां अपना भाषण दिया। उनके भाषण पर लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रिटिश लोगों को ही उनकी धरती पर जीवन जीने के कायदे समझा रहे थे। विद्यासागर मेट्रोपॉलियन कॉलेज, जहां तोड़फोड़ की ये तमाम घटना हुई, उसे भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बनाया था। बाबू जगजीवन राम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे बड़े नेता यहां से पटकर निकल चुके हैं। खुद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इस कॉलेज के प्रतिनिधि मंडल में हुआ करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समाज सुधारक के साथ साथ महिलाओं के लिए मसीहा भी माना जा सकता है। ऐसे में उनकी मूर्ति के साथ तोड़फोड़ होने के कारण भावनाओं का आहत होना तो स्वाभाविक ही था। मूर्ति तोड़ने की इस घटना और बंगाल में हुए घमासान पर जो भी अपडेट होगा वो जनसत्ता आपको देता रहेगा। लेकिन इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता.com को।